हेलो वी वन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स दर हैव क्वालिफाइड दी सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर हमारे जम्मू कश्मीर का इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिशन एंड सेवेंटी वन स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड दिस ईयर सीट्स भी आपकी इस साल थोड़ी कम ही थी कंपेरेटिवली पिछले साल से और आने वाले अटैम्प्ट में ये कहा जा रहा है कि सीट थोड़ा हो जाए डबल हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनको हम पर्सनली जानते हैं जिनकी बड़ी लंबी जर्नी रही है नाउ वॉज द टाइम फॉर ये सक्सेस और वंस अगेन कंग्रेचुलेन्स टू ऑल ऑफ यू सेवेंटी वन स्टूडेंट्स है uh, जो जिनका मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ uh, ये हमारे पास स्टूडेंट्स uh, का लिस्ट है अभी जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें सो रैंक वन वी हैव संजीव कुमार ओपन मेरिट से हैं जैसे ओपन मेरिट के कितने सारे बच्चे हैं जो कहते रहते हैं कि सर हमारा रिजर्वेशन की वजह से इतना नुकसान हो गया वो ठीक है आ, उसमें आ, बहुत कुछ बोला जा सकता है जो रिजर्वेशन के बारे में चीज़ें हुई है लेकिन आप ये देखिए ये इंस्परेशन है इंस्परेशन ये है कि पहले चार रैंकर्स आपके ओपन मेरिट के हैं और ये आपका एक्सक्यूज़ ही होता है बेसिकली उन कुछ बच्चों का कि भाई ओपन मेरिट का कुछ थर्टी फोर्टी परसेंट पर सीमित हो गया है तो हम आगे जा नहीं सकते रिजर्वेशन वाले आगे जा रहे हैं लेकिन आप देखिए चार रैंकर्स है और चारों के चारों ओपन मेरिट के हैं आपके संजीव कुमार देन इकर फारूक इकरा फारूक इज अगेन फ्रॉम ओपन मेरिट एंड देन यू हैव हैवु वसुधा शर्मा एंड देन यू हैव तस्नीम कबीर डार और ये चारों के चारों आपको ओपन मेरिट से दिखेंगे आप स्कोर देख सकते हैं इनका टेन एटी नाइन इसका स्कोर है टेन सेवेंटी फोर पर आपका स्कोर ओपन मेरिट का टॉप पे रुक जाता है अब ये हमारे स्टूडेंट्स भी रहे हैं इसमें से आ, तस्नीम के बारे में आ, एक वीडियो भी हमने डाला था तो ऐसे ही हमारे पास और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं टोटल सेवेंटी वन में से आ, हमारे जो क्वेंटेसेंस के साथ अफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ क्लोज टू ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स जो जो या तो हमारे एग्जाम में मेन स्टेस्ट सीरीज़ में आ, हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका हमने आंसर राइटिंग कराया या तो हमारे बच्चे हैं जो हमारे ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए थे आ, जो हमारे कोर्स के साथ जुड़े हुए थे और बहुत सारे बच्चे तो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस और मैंटरशिप से है तो 23 स्टूडेंट्स का भी मैं आपको लिस्ट बता दूं ये हमारे स्टूडेंट्स है कुछ जिनका हमारे साथ अफिलियशन रहा फ्रॉम रैंक थ्री रैंक थ्री से रैंक फोर रैंक सिक्स रैंक सेवन रैंक एट सो अगर टॉप का देखें आप टॉप टेन में वी हैव अराउंड फाइव रैंकर्स अफिलियटेड विद क्विंटिस एंड देन वी हैव अदर रैंकर्स ऑल्सो इसमें ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स हैं टोटल जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा इनके सक्सेस uh, तो है लिस्ट में नाम भी आ गया uh, खुश भी है सारे uh, पर ये सिर्फ अभी लोगों को दिखेगा कि भाई ये एक लड़का है जिसका सिलेक्शन हो गया किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया किसी का सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया ठीक है ना लेकिन उसके पीछे की उसकी जर्नी किसी को याद नहीं होगी ना कोई उस पर फोकस करेगा इसके पीछे उनकी काफी सारी स्लीपलेस नाइट्स है उनके पीछे उनके काफ़ी सारे स्ट्रगल्स है काफ़ी सारे लाइफ के कॉम्प्रोमाइजेज़ है जो उनको करने पड़े यहाँ तक पहुँचने में इट इज़ नॉट दैट इजी लेट मी टेल यू ये ऐसे ही नहीं होता और ये मज़े मज़े में नहीं होता आपको चीज़ें यू नो ये ये एग्जाम आपको एक एक लेवल पे तोड़ता है और इसमें स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है और आप इन लोगों ने स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुँचाई है इनमें से ढेर सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका क्या क्लासिक स्ट्रगल रहा है क्या क्लासिक स्ट्रगल रहा है जिनका चौथा इंटरव्यू था किसी का तीसरा इंटरव्यू था कोई यूपीएससी का इंटरव्यू देकर यूपीएससी के आ, मेंस क्वालिफाई करके वहां तक पहुंचे लेकिन यहां उनका इंटरव्यू फंस जाता था आ, दो तीन साल से उसके बाद आज फाइनली उनका एग्जाम हुआ है और उनका हर साल का जर्नी में देखता था कि जैसे लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया उसके बाद जेके का भी इंटरव्यू दिया उसके बाद इंटरव्यू में जेके में फंस गए और फिर यूपीएससी का भी नहीं हुआ तो दे व लाइक सर क्या होगा हमारा तो हमारे दोस्तों का हो रहा है बाकियों का हो रहा है लेकिन हम पीछे रह रहे हैं तो अल्टीमेटली एक फेलियर तो बेसिकली एक स्टेपिंग स्टोन ही है और वो एक एक करके वो पहुंच के आज सक्सेसफुल हो गए हैं वेरी हैप्पी फॉर दी स्टूडेंट्स बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं लेकिन जहां हम उनकी बात कर रहे हैं वहां हमें उनकी बात भी करनी चाहिए जो इस लिस्ट में नहीं है दैट दैट हैव हैव बीन फेल्ड इन दिस एग्जाम और मैं आपको कह सकता हूँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी इनमें सलाहियत है जो टॉप वन टॉप टू टॉप थ्री टॉप फोर जितनी उनमें सलाहियत है उतनी ही सलाहियत हमने उन बच्चों में भी देखी जो इस लिस्ट में नहीं है हमने उन बच्चों में भी देखी जो उस लिस्ट में है ही नहीं और मैं आपको कह सकता हूं बहुत ही हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स डिजर्विंग स्टूडेंट्स जिनका मैं आपको कह सकता हूं अगर उनका जेके में क्वालिफाई नहीं हुआ वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन आज उस इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका ये लास्ट ईयर भी हुआ था लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स का यूपीएससी इंटरव्यू हुआ फिर जेके भी फंस गया उनका लेकिन यहां पर मैं आपको कह सकता हूं इस बार वो उस लिस्ट में है तो जो फेल हुए बच्चे इस बार जो कुछ ही मार्क्स से कितना ही डिफरेंस होता है इसमें कुछ ही मार्क्स से जो पीछे रह गए उनका दिल छोटा नहीं करना है बिकॉज लास्ट ईयर सबकी जर्नी है हमारे साथ भी यही हुआ है सब सबके साथ यही होता है आप लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं किया कोई बात नहीं अगले साल आपका क्वालिफाई होगा आज इनका क्वालिफाई हुआ आज जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ उसका अगले साल क्वालिफाई होगा तो मामला चलता रहता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको ये बंद नहीं करेगा वो ऊपर वाला उसको बंद नहीं करता वो कुछ करके आपका सक्सेस पे पहुंच ही जाता है तो मैं आपको कह सकता हूं दिल छोटा बिल्कुल ना करें आप चाहे आपका पहला इंटरव्यू है दूसरा इंटरव्यू था या तीसरा इंटरव्यू था इस साल हमने देखे कि जिनका इसमें जो सिलेक्शन लिस्ट आया है जिनका चौथा इंटरव्यू था किसी का पांचवा इंटरव्यू था जो आज इस लिस्ट में पहुंचा है तो आप समझ सकते हैं ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है ये एग्जाम नॉलेज का तो है ही लेकिन उसके साथ साथ आपकी पेशेंस का भी है परसिवरेंस का भी है कंसिस्टेंसी का भी है आपके बिलीफ सिस्टम का भी है ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है ये एग्जाम आपको एज अ पर्सनैलिटी चेक करता है कि आप कितना इसको झेल सकते हैं और बहुत ही कम लोगों में वो सलाहियत होती है जो अल्टीमेटली फिर यहां पर पहुंचते हैं एक ही दुख है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स का यह लास्ट अटेम्प था उनकी एज हो गई और वो अगले साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे ना यूपीएससी का ना जेके का उनके लिए थोड़ा दुख होता है कि इतना मेहनत किया पाँच छह साल से बट हैव नॉट एग्जाम कोई बात है उनका मेहनत जाया नहीं होता हमने मैं आपको कह सकता हूं हमारे साथ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिविल सर्विस तो नहीं हुआ बट दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब कुछ पॉलिटिक्स में है कुछ आपके टीचिंग लाइन में है कुछ दिल्ली में जाके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं तो बिल्कुल आप घबराए नहीं जिनका आज अब एज हो चुका है और वो अगले साल एग्जाम नहीं दे सकते अगर आप इंटरेस्टेड है यू कैन जस्ट विल फिगर आउट कि uh, आप जैसे ब्रिलियंट और यू नो सोर्सफुल रिसोर्सफुल कैंडिडेट्स को हम कैसे अब्जॉर्ब uh, कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप घबरा ही नहीं आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है uh, जो आप इसी इंडस्ट्री में यू uh, नो you know, अपने लिए अवेल कर सकते हैं तो बहुत सारा इसमें बोला जा सकता है एक जनरल कैंडिडेट के लिए भी जो अभी अब शुरू ही कर रहा है वो बस इन कैंडिडेट्स को देखकर बड़ा खुश हो जाएगा और मोटिवेट हो जाएगा कि भाई मैं भी करूं मेहनत उसमें और वो ठीक है मेहनत करें आप आप खुश भी हो आप मोटिवेट भी हो पर साथ में ये भी याद रखें कि ये एग्जाम क्या चाहता है आपसे ये एग्जाम सिर्फ आपका पाँच छः घंटे आठ घंटे की पढ़ाई नहीं चाहता ये पढ़ाई के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहता है ये एग्जाम चाहता है कि आप में सलाहियत हो फेलियर को बर्दाश्त करने की इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे अभी तक आधे से ज्यादा क्या मैं आपको कह सकता हूँ नाइन्टी परसेंट बच्चे हैं जिन्होंने फेलियर देखा है लाइफ में तो फेलियर बर्दाश्त करने का जज्बा हो इसमें यह हो कि आप कंसिस्टेंट हो आप कंटिन्यूसली एक साल दो साल तीन साल चार साल जब तक मेरी एज नहीं होगी और जब तक मेरे अटेम्प्ट नहीं होंगे मैं ये एग्जाम देता रहूंगा बिकॉज इसका जो इसका जो मकसद है वो ये नहीं है कि आपको बस एक जॉब चाहिए ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है लोगों ने इसको अब क्या बना लिया है वो अलग बात है बहुत नोबल प्रोफेशन है इसमें आपको बहुत ऊपर लेवल पे जाके सलाहियत मिलती है कैपेसिटी मिलती है कि आप बहुत सारा इंपैक्ट क्रिएट कर पाए लोगों की जिंदगी पर और वो एक अलग ही लेवल पे सेटिसफैक्शन देता है इंसान को तो आप समझें जो बच्चे हैं फ्रेशर्स हैं वो समझे इस बात को ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज से क्लियर नहीं होगा नॉलेज आप अक्वायर करें लेकिन अपनी पर्सनालिटी पे अपनी रेजिस्टेंस पे अपनी रेजिलियंस पे भी फोकस करें कि आप कितना लंबा खींच सकते हैं इसको और कितने लंबे देर तक आप इसमें मेहनत कर सकते हैं तो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स दर हैव क्वालिफाइड द एग्जाम एंड आई आई एम होपफुल कि जो बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स है जिनका इस बार लिस्ट में नाम नहीं आया वो हम uh, अगले साल उनका नाम देखेंगे लिस्ट में या फिर अगर जेके ने उनको सेलेक्ट नहीं किया तो हो सकता है दैट दे हैव अ यूपीएससी कॉलिंग और अगर वहां भी सिलेक्ट नहीं हुआ देन दे विल डू सम वंडरफुल जॉब इवन आउटसाइड द पब्लिक सर्विस थैंक यू सो मच